मोदी जी तो छोटे से आदमी है, चाय बेचने वाले हैं। आप ही एक बात बता दीजिए कि कोई एक काम आपको लगता है जो सरकार ने अच्छा किया हो, चलिए बता दीजिए। मोदी जी की नफरत में बोलते हैं आप ओवैसी साहब, जवाब दीजिए। मैडम, मैं देश की मोहब्बत में बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। और देश की मोहब्बत में, देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में जो गरीब और अमीर, दौलतमंद तड़प तड़प कर मर रहा है, उनकी आप बीती बयान कर रहा हूँ। और अगर मेरी सच्चाई शाहनवाज हुसैन को एक सवाल और है, एक सवाल ठीक है एक से एक आप पूरा कर लीजिएगा, एक सवाल मुकम्मल तो कर, अच्छा मुकम्मल कर, हाँ पूछ लीजिए सर। ये कौन सी मोहब्बत है देश से जो दो दिन पहले आपने मुजफ्फरपुर में एक मस्जिद ढाए जाने की खबर को भी कोविड से जोड़ दिया, कहा कि मुख्यमंत्री को मुसलमानों को तबाह करने से, उनको परेशान करने से फुर्सत नहीं है। अच्छा मैडम, आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, माशाल्लाह मैं आपके प्रोग्राम में बहुत बार आ चुका हूँ। आप एक ही जवाब में आपके सवाल को खत्म कर देता हूँ। लखनऊ अलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि कोई डेमोलिशन सरकार नहीं करेगी 30 मई तक, वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अब आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि देश की मोहब्बत में बोलता था और बोलता रहूंगा। ऑक्सीजन को पहुंचाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की थी, ये किसने कहा? सरकार ने जाकर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा। आपने ऑक्सीजन प्लांट्स कितने लगाए 150 में? 8 महीने में आपने 15 लगाए। इस पर भी आपको शर्मिंदा नहीं है आप शाहनवाज साहब? ऑक्सीजन नहीं मुहैया कर सके, दिल्ली हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि हम कंटेंप इशू करेंगे। हाईकोर्ट दीजिए।